नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल HFM की इंडिया पर लेकर के आया हूँ मैन्युफैक्चरिंग लाइन में या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हमारा जो वर्ड यूज होता है लिमिट्स। तो लिमिट्स के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते हैं आज लिमिट्स की डिटेल्स। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि लिमिट्स क्या होती हैं, लिमिट्स के प्रकार कितने होते हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या है, कंट्रोल लिमिट और स्पेसिफिकेशन लिमिट्स क्या होती हैं। तो इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो आइए देखते हैं आगे। लिमिट क्या है? जब किसी पार्ट को मैन्युफैक्चरिंग में बनाने के लिए दिया जाता है तो उसकी चेंजेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए उसके ओरिजिनल साइज में कुछ टॉलरेंस या छूट दी जाती है। वह अधिकतम छूट जिस पर पार्ट्स बनाए जा सकते हैं उस ओरिजिनल साइज या बेसिक साइज की लिमिट कहलाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप मैन्युफैक्चरिंग में पार्ट्स बनाते हैं तो जो भी साइज में टॉलरेंस दे दी जाती है उसी टॉलरेंस को ही हम लिमिट कहते हैं। यह छूट इतनी दी जाती है जिससे कि पार्ट पर कोई प्रभाव ना पड़ता हो, यानी कि जब आप उसको कहीं फिट करें तो वहां पे कोई दिक्कत ना आए। पार्ट को बिल्कुल एक्यूरेट साइज में नहीं बनाया जा सकता। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे मशीन के सेटिंग, मशीन में गलती, टूल की खराबी। तो इन सब चीजों की वजह से आप जो एक्यूरेट साइज चाहोगे, यानी करेक्ट वही साइज मिले, हर बार वही मिले, तो हो सकता है कि वो चीज ना मिल पाए। इसीलिए हमें लिमिट्स दी जाती हैं, टॉलरेंस दी जाती है। लिमिट्स के प्रकार कौन कौन से होते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। लिमिट्स को इंगित करने के लिए प्लस माइनस साइन का उपयोग करते हैं। लिमिट दो प्रकार की होती है, एक अपर लिमिट जिसको हम प्लस से डिनोट करते हैं, दूसरा लोअर लिमिट होती है जिसको हम माइनस साइन से डिनोट करते हैं। कहने के तात्पर्य एक हमारा अपर डायमेंशन जा सकती है, एक लोअर डायमेंशन जा सकती है, तो उसे ही अपर एंड लोअर लिमिट्स कहते हैं। पार्ट्स के मैक्सिमम साइज को प्रकट करने के लिए, दिखाने के लिए जो ओरिजिनल साइज में हमें टॉलरेंस दी जाती है, जब मैक्सिमम साइज को दिखाने के लिए, तो इसीलिए उसको अपर लिमिट कहते हैं। और एग्जांपल अगर इसको देखें हम, कि अगर मान लीजिए आपका ओरिजिनल साइज यानी कोई होल्ड आया 10 mm का है और हमारी जो छूट दी गई है, टॉलरेंस दी गई है, लिमिट दी गई है, वो प्लस माइनस 0.05 दी गई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अपर लिमिट जो होगी आपकी वो 0.05 mm होगी प्लस में, और उसका जो अपर लिमिट साइज होगा वो 10.05 mm आएगा। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि जो हमारी अपर लिमिट साइज है वो 10.05 है और अपर लिमिट प्लस में 0.05 है। पार्ट्स के मिनिमम साइज को प्रकट करने के लिए उसके ओरिजिनल साइज में जो टॉलरेंस को छूट दी जाती है, यानी कि जो लोअर साइड है, तो उसे ही लोअर लिमिट कहते हैं। इसको एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखना चाहें तो देख सकते हैं कि अगर होल्ड आया हमारा 10 mm है तो इसमें जो टॉलरेंस मिली हमको, वो छूट मिली, वो प्लस माइनस 0.05 की मिली। अगर लिमिट लोअर लिमिट की बात करें तो इसको माइनस में डिनोट करेंगे, 0.05 mm, ठीक है ना। और इसी तरीके से आपको लोअर लिमिट साइज जो इसकी आ जाएगी वो 9.95 mm आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारा जो भी प्रोडक्ट है वो 10 mm का उसका एक्चुअल साइज है और उसमें हमने लिमिट्स दे दी, तो वो हमारा प्लस में और माइनस में लिमिट्स आ गई। अब इसके अंदर हमारे प्रोडक्ट को बनाने में जो हमारी सहायता करता है, आसानी होती है, इसीलिए हमको लिमिट्स मिलती हैं और छूट दी जाती है। बेसिक साइज और ओरिजिनल साइज जो हम बात कर रहे थे उसका तात्पर्य यह है कि जिस साइज पर हमको छूट दी जाती है, लिमिटेशन किया जाता है, वही हमारी बेसिक साइज होती है ओरिजिनल। जैसे ओरिजिनल साइज हमारी इसमें 10 mm है, एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें तो इसको 10 mm हमारा ओरिजिनल साइज है, बेसिक साइज है। अब अगर मैन्युफैक्चरिंग में आप बनाने जाओगे तो 10 नंबर्स का होल्ड आया हर बार नहीं आएगा, हो सकता है कुछ ज्यादा आएगा कुछ कम आएगा, तो उसी टॉलरेंसों को डिसाइड कर दिया जाता है लिमिट्स में। एक्चुअल साइज या ऑब्जर्वेशन साइज क्या है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एक्चुअल साइज से तात्पर्य है कि वह साइज है जो जॉब प्रोड्यूस होने के बाद जब आप उसको मेजर करते हो, मापते हो,
तो जो एक्चुअल में वास्तव में प्राप्त होता है वही वो साइज लोअर लिमिट से ज्यादा और अपर लिमिट से अगर कम होता है तो वो पार्ट ओके हो जाता है, और अगर लोअर लिमिट साइज से कम और अपर लिमिट साइज से ज्यादा हो जाए तो वो पार्ट रिजेक्ट हो जाता है। यानी कि जो हम मेजर करते हैं वही हमारी एक्चुअल साइज है, ऑब्जर्व साइज है, और वो हमारी लिमिट के अगर अंदर है तो हमारा ओके है पार्ट, और लिमिट से बाहर है अगर हमारा पार्ट तो वो खराब है, रिजेक्ट हो जाता है। तो जो एग्जाम्पल्स के रूप में अगर देखें तो ओरिजिनल साइज होल्ड आया 10 mm, हम आप इसको बोल सकते हैं। टॉलरेंस हमारी 0.05 प्लस माइनस में है। तो एक्चुअल जब ऑब्जर्व करो, मान लो कि वो ऑब्जर्वेशन आपका आ गया 10.02। अब ये 10.02 आपके विद इन लिमिट में है, जो कि आपको हमने पहले बताया था कि अपर लिमिट हमारा 10.05 है, लोअर लिमिट हमारा 10.9.95 है, तो उसके बीच में आया ये। तो हम जो भी जितनी वैल्यू मेजर करेंगे वो हमारे इसके बीच में होनी चाहिए, तभी हमारा पार्ट ओके है, अदरवाइज वो रिजेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हमने इसमें एक्चुअल साइज और ऑब्जर्वेशन साइज के बारे में जाना। अब थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं लिमिट के बारे में। कंट्रोल लिमिट्स और स्पेसिफिकेशन लिमिट क्या है? कंट्रोल लिमिट्स प्रोसेस की परफॉर्मेंस के नॉर्मल वेरिएशन को इंडिकेट करती है, और प्रोसेस एक्चुअल वैल्यू में चल रही है या नहीं इसके बारे में बताती है, जो कंट्रोल लिमिट्स है। कंट्रोल लिमिट्स स्टेटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल का टूल है, जो आपको यह निर्धारित करने की अनुमति देती है कि क्या आपकी प्रोसेस स्टेबल और कंट्रोल में है या वेरिएबिलिटी इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। कहने का तात्पर्य है कि आपका डाटा जो है बढ़ते क्रम में जा रहा है, 10.02, 10.03, 10.05, यानी ये आपका बाहर जा सकता है, यानी एंड प्रोडक्ट में आपका डिफेक्ट आ सकता है। इसी तरीके से अपर एंड लोअर कंट्रोल लिमिट हो जाती है, एक अपर में आ जाती है, एक लोअर में आती है। अच्छा, कस्टमर या मार्केट के परफॉर्मेंस द्वारा किसी भी प्रोडक्ट या प्रोसेस को जो टारगेट या लिमिट तय की जाती है उसे स्पेसिफिकेशन लिमिट कहते हैं। यह भी अपर और लोअर होती है, जिसको हम अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट बोलते हैं और लोअर स्पेसिफिकेशन बोलते हैं। जैसे हमारा कस्टमर को अगर कोई साइज का डाटा चाहिए या पार्ट चाहिए तो हमें लिमिट दे देता है कि आपको इसके और इसके अंदर बनाना है, तो वही है हमारी स्पेसिफिकेशन लिमिट जो कि कस्टमर देता है हमें। एक हम जो प्रोसेस को बनाते हैं वो हमारी खुद का जो कंट्रोल लिमिट बनाते हैं प्रोसेस की, वो हमारी लिमिट होती है। कंट्रोल लिमिट और स्पेसिफिकेशन लिमिट में क्या अंतर है और थोड़ा सा देख लेते हैं। कंट्रोल लिमिट और स्पेसिफिकेशन लिमिट में ये प्रोसेस की वॉइस होती है, यानी आवाज होती है, यानी कि जो आप प्रोसेस बनाते हो उसकी लिमिट जो आप तय करते हो, खुद जो तय करते हो, और ये कस्टमर के द्वारा वॉइस होती है, आवाज होती है, यानी कि कस्टमर के द्वारा दी गई होती है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है। ये डाटा के कैलकुलेट से कर सकते हैं इसको, डाटा से कैलकुलेट करते हैं इसको कंट्रोल लिमिट को। यह कस्टमर द्वारा डिफाइंड होती है, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती है। आपको जो कंट्रोल लिमिट्स हैं वो आपको खुद अपनी बनानी पड़ेगी कि आप कितने में अपने प्रोसेस को कंट्रोल करना चाहते हो। कंट्रोल चार्ट में यह दिखती है, जब हम आपको कंट्रोल चार्ट के बारे में बताएंगे तो उसमें कंट्रोल लिमिट्स को भी बारे में दिखाएंगे। ऐसे ही ये हिस्टोग्राम्स में दिखती है स्पेसिफिकेशन लिमिट। सब ग्रुप्स पर लागू होती हैं, जब भी आपका कोई डाटा कलेक्ट करते हैं तो उसके ऊपर आपका ये लागू होती है कि हमारी जो डाटा है वो कंट्रोल लिमिट्स में है कि नहीं है। ये प्रोडक्ट पर लागू होती है, जब हमारा कस्टमर कोई प्रोडक्ट देता है तो बोलता है कि इसके और इसके बीच में हमारा ये डायमेंशन होनी चाहिए। प्रोसेस के एक्शन को बताती है या चलाती है, जो हमारी कंट्रोल लिमिट्स है वो प्रोसेस के एक्शन को बताती हैं कि हमारा एक्शन कहाँ पे जा रहा है, प्रोसेस कहाँ पे जा रहा है या कहाँ पे चल रहा है। और स्पेसिफिकेशन लिमिट क्या बताता है कि ये ओके प्रोडक्ट को एनजी प्रोडक्ट से अलग कर देती है। प्रोसेस क्या कर रही है ये बताती है, कंट्रोल लिमिट्स प्रोसेस क्या कर रही है ये बताती है, और स्पेसिफिकेशन लिमिट हम प्रोसेस को क्या करना चाहते हैं, उससे या बनाना क्या चाहते हैं, उसको कहाँ तक ले जाना चाहते हैं, वो हमें स्पेसिफिकेशन लिमिट बताती है। तो इस तरीके से हमने स्पेसिफिकेशन लिमिट्स और कंट्रोल लिमिट के अंतर को जाना और आगे देख लेते पिक्चर के थ्रू।
देखिए ये हमने एक पिक्चर देखा, इसमें आप देख सकते हैं आपको कि हमारा जो डाटा है प्रोसेस की वाइज है, वो जो कर्व में आपको दिख रहा है ये हमारा प्रोसेस है, ये हमारा डाटा कलेक्ट किया हुआ है, ये 3 सिग्मा प्लस में 3 सिग्मा माइनस में हमारा यानी 6 सिग्मा के अंदर हमारा ये डाटा आया। इसमें देखिए अपर कंट्रोल लिमिट हमने UCL लिया और LCL लिया, इसके बीच में हमारा प्रोसेस की जो विड्थ है या जिसको प्रोसेस का वाइस बोल सकते हैं, और अपर स्पेसिफिक लिमिट जिसको USL और लोअर स्पेसिफिक लिमिट जिसमें LSL दिया हुआ है रेड कलर में बाहर के साइड में, तो ये हमारी डिजाइन विड्थ है यानी कस्टमर की वाइस है। तो इस तरीके से हम इसको कंट्रोल लिमिट और स्पेसिफिकेशन लिमिट के बारे में जान सकते हैं। इसमें देखिए हमारा जो प्रोसेस है वो UCL और LCL में है, लेकिन अगर हम पूरे बात करेंगे डिजाइन की बात करते हैं तो हमारा LCL और USL में आता है। तो इस तरीके से हम इस कंट्रोल लिमिट्स और स्पेसिफिक लिमिट्स के अंतर को समझ सकते हैं। आगे भी हम आपको कंट्रोल चार्ट्स और जब SPC का डिस्कशन करते रहेंगे तो उसमें इन सारी चीज़ों का डिस्कशन आता रहेगा और भी आपको बेटर क्लियरिफाई होता रहेगा। ऐसे ही हम वीडियोस आपको लेकर के आते रहेंगे। आपको वीडियो पसंद आए तो लोगों में भी शेयर करिए, अपने इष्ट मित्रों को भी बताइए, और नए नए वीडियो तक के लिए आपको जो हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा कि काम तो सभी करते हैं पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। दोस्तों यह टॉपिक आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में और कमेंट्स जरूर करिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और नए नए टॉपिक्स आपको मिलते रहे।